देखो, सेक्शनल बैलेंसिंग वर्सेस सेल्फ बैलेंसिंग क्या है ये टॉपिक? क्या होता है कि जब आप मैनुअली काउंट बनाते हैं, वैसे ये टॉपिक खत्म हो गए, 20-20 साल पुराने टॉपिक हैं ये, अब कहीं किसी बुक्स में नहीं मिलते, लगभग खत्म हो गए। ये तब चलते थे जब कंप्यूटराइजेशन नहीं था। क्या होता था, आपके 300-400 डेटर हैं तो आप एक अलग बुक लगाते थे, डेटर की बुक, जिसमें डेटर का अकाउंट सारा बनाते थे। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मैं टोटल डेटर अकाउंट कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। टोटल डेटर अकाउंट मीन्स डेटर से क्या लेना और देना है। आप देखो, लोगों से लेना है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ड्रॉडाउन आपने 50,000 रुपये लोगों से लेने हैं, ये हमारी असेट है। लेने और बढ़ेंगे क्रेडिट से। अगर अपने पैसा लेना है, लेने और बढ़ेंगे क्या? क्रेडिट सेल। हम क्रेडिट सेल कर देंगे तो लेने और बढ़ेंगे। अगर उधर से बाय कैश आ गया, पैसे कम हो जाएंगे। बाय बैंक आ गया, चेक आ गया अपने पास, चेक्स, कुछ चेक आ गए लोगों से, पैसे लेने कम हो जाएंगे। बाय बीआर आ गया, बीआर आने से भी पैसे लेने और कम हो जाएंगे। पैसे आए जाएंगे तो कम हो जाएंगे, ठीक। कोई किसी का चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गए, इस 20,000 में से कुछ चेक 5,000 वाले डिसऑनर हो गए, ये बिल जो है 25,000 का, बीआर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गए तो उससे क्या है, वापिस लेने बढ़ जाएंगे। ये बाय बीआर था, ये क्या है, टू बीआर अकाउंट, वापिस लेने बढ़ जाएंगे। हम डेटर पे इंटरेस्ट लगा देंगे तो लेने और बढ़ जाएंगे। उनसे माल बिका हुआ वापिस आ गया तो लेने कम हो जाएंगे। मान लो 7,000 रुपये का सेल रिटर्न। बैड डेट्स हो गया, बाय बैड डेट्स अकाउंट, डेटर कम, बाय डिस्काउंट दे दिया उनको या अलाउंस दे दिया, उससे भी डेटर क्या हो जाएंगे, कम। देखो, डेटर अकाउंट बनाना आना चाहिए। डेटर अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग डेटर, और माल इनको बेचा, इनसे पैसे आए, इनसे चेक आया, इनसे बिल आया, तो लेने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे लेने। और कह रहा है कि कोई बिका हुआ माल वापस आ गया तो लेने कम हो जाएंगे, बैड डेट से भी डेटर कम हो जाएंगे, डिस्काउंट या अलाउंस से भी डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बस ये डेटर अकाउंट है, पैसा बढ़ेगा इधर, कम होगा इधर। बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि कितना पैसा इनसे लेना या इनको देना है। जैसे मान लो ये कह रहा है जी 50,000, ये 70, ये 5,000, ये 10,000 और ये 2,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 137। पंद्रह हजार, 20,000, 25,000, 7,000, 3,000 और 4,000, 63,000 रुपये बैलेंस लेना है। ये डेबिट बैलेंस आ गया, इनसे अपन लेना है 63,000, सही है। तो ये डेटर अकाउंट है। डेटर अकाउंट इस तरह से बनता है, ओपनिंग डेटर, और माल बेच दिया, उच्च ब्याज लगा दिया, बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, डेटर बढ़ जाएंगे। बीआर आ गया, चेक आ गया, कैश आ गया, डेटर कम हो जाएंगे। सेल रिटर्न, बैड डेट से भी डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डिस्काउंट देने से भी डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बैलेंस आ जाएगा। कभी कभी इनका ओपनिंग बैलेंस इधर भी होता है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ब्रॉडाउन, छोटा मोटा बैलेंस, कुछ लोगों से एडवांस पैसे आगे होते हैं। मान लो ये 5,000 बैलेंस इधर है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन 7,000। ऐसा हो सकता है क्या? डेटर का तो हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट ना, क्रेडिट कैसे हो जाएगा, पैसे लेने ही लेने होते हैं डेटर से। लेकिन कुछ डेटर ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे कई बार क्या होता है, एडवांस पैसा आ जाता है। या मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपये का माल बेचा, वो मुझे मान लो 8,000 रुपये दे गया, 2,000 रुपये लेने हैं ना मैंने, लेकिन वो बाद में 5,000 का माल उठा के वापस दे गया, क्या ये वापस रखो सही नहीं है। तो अब उल्टा अपने लेने नहीं, उल्टा 3,000 रुपये क्या है, देने हैं।
तो वो कभी कभार एक आधे डेटर क्रेडिटर का बैलेंस उल्टा, यानी मेन बैलेंस डेबिट बैलेंस बड़ा होगा, हमेशा पहचान है, ये वाला उल्टे वाला तो एक आधा केस होगा तो वो छोटा बैलेंस, ऐसी मेन बैलेंस बहुत बड़ा आएगा, ये छोटा बैलेंस बहुत छोटा बैलेंस होगा। क्रेडिट मीन्स हमने देने उल्टा डेटर को, वो एक आधा माल वापिस आने से या एडवांस पैसे आने से कभी कभी ऐसा होता है। तो आप टोटल करो 50,000, 70,000, 5,000, 10,000, 2,000 और 7,000, 1,44,000। इधर भी कितना आना चाहिए? 144। कम करो 5,000, कम करो 15,000, 20,000, 25, 7, 3 और 4, ये 65,000 का मेन डेबिट बैलेंस आ गया। बोलो समझ आया ये टोटल डेटर अकाउंट कैसे बनता है? क्योंकि अगर ये बनाना आएगा तो ये सेल्फ बैलेंसिंग वर्सेस सेक्शनल बैलेंसिंग का टॉपिक समझ आ जाएगा। क्लियर है ये डेटर अकाउंट हो जाएगा। माइनस ही है ये डेबिट 65 और इधर 7, माइनस नहीं होता, अलग अलग बंदे ही अलग अलग हैं, किसी के एडवांस आए हुए हैं और किसी के क्या हैं लेने हैं किसी से, अलग अलग लोग होते हैं ये, और ये सबका कंबाइन है। मान लो ये 300 लोग हैं तो ये 300 लोगों का कंबाइन अकाउंट है, 300 लोगों में से किसी से कैश आ गया, किसी से चेक आ गया, किसी से बिल आ गया, किसी से माल वापस आ गया, किसी को डिस्काउंट दे दिया, किसी को बैड डेट, ऐसे नहीं आना यहाँ एंट्रीज नॉट कवर्ड, एंट्रीज नॉट कवर्ड अंडर डेटर अकाउंट। जो एंट्री डेटर अकाउंट में कवर नहीं होती कौन कौन सी? कैश सेल, कैश सेल रिटर्न, वो तो दोनों एंट्री कहाँ जाएंगी? ये कैश बुक में जाएंगी। कैश सेल का डेटर से क्या लेना? पैसे ले ले, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल अकाउंट डेबिट या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बुक की एंट्री है, इनका डेटर से कोई लेना देना नहीं। बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबे पैसे आ गए तो ये सीधा P&L में जाता है, इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये बैड डेट्स रिकवर्ड P&L की आइटम है, पुराना डूबा हुआ कोई पैसा वापिस आ गया तो ये हमारे डेटर में नहीं आता। अगली एंट्री क्या होती है इसकी? बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका कोई लेना देना बैड डेट्स रिकवर्ड का डेटर अकाउंट से नहीं है। जब डूबे डेटर काट दिए, अब उनसे किस्मत अच्छी थी पैसा आ गया, तो ये पैसा आना कहाँ जाएगा? ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये बनाते हैं, ये इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये डेटर अकाउंट में नहीं आता। बिल एनकैश्ड, ड्यू डेट पे पैसे आ गए बिल के तो एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, इसकी कोई एंट्री डेटर अकाउंट में नहीं होती। चलो ये चीज़ें याद रखना, ये डेटर अकाउंट में नहीं आती। कैश सेल रिटर्न, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, या अपना बिल कैश हो गया, BR आया, डेटर कम तो हो गए, अब उनसे कैश आएगा फिर दोबारा कम होंगे? नहीं, कैश टू BR। क्लियर? तो डेटर अकाउंट आपको आ गया कैसे बनता है। देखो जो सेक्शनल बैलेंसिंग है उसमें तो क्या होता है? इन सेक्शनल बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग में दो लेजर बनती हैं। एक तो लेजर बनेगी इन जनरल लेजर, जो हमारी जनरल लेजर जो आम बुक है जिसमें आप सेल परचेज लेजर जो अपने पढ़ी प्रिंसिपल बुक वो, और एक बनेगी यहां पे डेटर या दूसरा नाम है सेल लेजर, डेटर की बुक। सेल लेजर में 300-400 लोगों का अकाउंट बनेगा, जैसे कि आप बनाते हैं नॉन विनी। कैसे? ये 300-400 लोगों का अकाउंट, मैं बोर्ड पे 3-4 ही बना पाऊंगा। तो देखो जैसे ओपनिंग बैलेंस है मान लो 10,000, अपने क्रेडिट सेल किया एक्स को मान लो 20,000 रुपये का, इससे बाय बैंक चेक आ गया मान लो 15,000 रुपये का,
इससे बीआर आ गए मान लो 5,000 रुपये के, बैड डेट्स हो गए, ये झगड़ा है कहता नहीं देता 1,000 रुपये में, बाय सेल रिटर्न 2,000 रुपये, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख लो कितना रह गया इसका 30,000, इधर इधर भी कितना होना चाहिए 30,000, इसका रह गया 20-23, 7,000 रह गया। फिर आओ इसका ओपनिंग बैलेंस मान लो 15,000 है, इसको क्रेडिट सेल की अपने मान लो 30,000 रुपये की, इससे बाय बैंक पैसे आए, बाय बैंक मान लो 10,000, इससे बाय बीआर आया 6,000, इसका चेक डिसनर हो गया वापस टू बैंक, बैंक बैलेंस घटा दो, क्या हो गया चेक डिसनर हो गया इसका, 2,000 रुपये का चेक 10 में से डिसनर हो गया, बाय बैड डेट्स ये कहता मैं नहीं देता 2,000 रुपये, बाय डिस्काउंट मान लो इसको 3,000 रुपये, कितना बैलेंस रह गया इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह ये तो 300-400 बन सकते हैं जितने भी लोग हैं, 45 और ये 47,000, ये भी कितना 47,000, देखो आप 47,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 3,000, 26,000 रुपये का क्या गया बैलेंस। ठीक, फिर इसका बनाओ ओपनिंग बैलेंस मान लो इसका है 20,000, इसको क्रेडिट सेल की मान लो कि 15,000, इससे बीआरआई मान लो 18,000, इससे आए मान लो बाय बैंक 4,000, इसका बिल डिसऑनर हुआ टू बीआर अकाउंट, बिल डिसऑनर हो गया इसका 5,000 रुपये का, बाय डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट दे दिया मान लो 2,000, इससे बाय सेल रिटर्न 3,000 रुपये। अब देखो इसका बैलेंस कितना है, 35 और 5 ये कितना हो गया 40, बाय बैलेंस कैरी डाउन 40 में से कम कर लो 18,000, 4,000, 2,000, 3,000, 13,000 रह गया बैलेंस। तो देखो ये एक बोरिंग प्रैक्टिस है, आज से 20 साल पहले ये चलता था, आप चेक कर लेना, मुझे लगता है आपके सिलेबस में अब कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि बहियों का सिस्टम खत्म हो गया, जीएसटी आने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया कि मैनुअल बहियां बनाए, कोई बन ही नहीं सकता, उसका जीएसटी का हिसाब ही नहीं होगा दुकानदार का अगर वो मैनुअल बहियां बनाएगा। ये बहियां पहले बनती थी, तब ये 300-400 डेटर बनते थे, अलग बुक लगाते थे डेटर की, वहाँ 300-400 डेटर का अकाउंट, फिर उनका टोटल करने के लिए जनरल लेजर में क्या बनाते थे अपनी दूसरी बुक। देखो ये जनरल लेजर है, डेटर लेजर में ये बना दिया, लो इसको आगे ले जाता हूँ, इन जनरल लेजर जो आप आम लेजर बनाते हैं ना, ये तो अलग अलग बन गया, अगर मुझे देखना हो डेटर का टोटल तो इसमें क्या बनाते थे सीधा टोटल डेटर अकाउंट कैसे बनता था, सबका टोटल लगा देते थे वहां से, देख देख के टोटल ओपनिंग बैलेंस देखना वहां से कितना, सबका ओपनिंग जोड़ दो 300-400, ये तीन है, 10, 15 और 20 कितना हो गया 45,000 क्रेडिट सेल, 300-400 लोगों की टोटल, अब मैंने तो तीन ही बनाए हैं, 20-30-15 कितनी होगी, 20-30-15 कितनी होगी 65,000, टू या बाय बैंक कितने पैसे आए, देखो एक दे गया था 15,000 रुपये, दूसरा चेक से दे गया था 10,000 रुपये, तीसरा भी चेक से दे गया था 4,000 रुपये, तो कितना हो गया 29, बीआर कितने आए, बाय बीआर अकाउंट किस किस से बीआर आए, देखो पहले आदमी से 5,000 के बिल आए थे, फिर दूसरे वाले 6,000 के आए, तीसरे वाले से 18 आए 29,000। तो यहां पे टू बैंक डिसऑनर हुए, चेक डिसऑनर, कितने चेक डिसऑनर हुए,
पहले आदमी का कोई डिसीजन नहीं, दूसरे का 2000 का चेक डिसीजन हुआ, तीसरे का चेक नहीं हुआ। ना ना ना, वो तो बिल है, ये तो 2000 है, 2000 रुपये के चेक डिसीजन हुए। फिर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू चेक डिसीजन के बाद बीआर डिसीजन, बीआर डिसीजन हुए कितने के बिल डिसीजन हुए, 5000 रुपये के। फिर आप देख लो बाय सेल रिटर्न कितनी कितनी है, बाय सेल रिटर्न, सेल रिटर्न देखो ऊपर आई थी 2000 रुपये का माल वापस, यहाँ आया नहीं, फिर आया वापस 3 का, तो कितने का माल वापस आया, 5000 का। बाय बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट, बाय बैड डेट्स देखो कितने, ऊपर बैड डेट्स हुए थे 1000 रुपये के, फिर बैड डेट्स हुए 2000 रुपये के, फिर बैड डेट्स हुए कोई नहीं, बस कितना 3000। बाय, बाय करो डिस्काउंट, ऊपर डिस्काउंट नहीं, यहाँ डिस्काउंट कितना है 3000, यहाँ डिस्काउंट कितना है 2000, तो कितना हो गया 5। अब आप बैलेंस जोड़ लो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, देखना टोटल कर लो। डेटर अकाउंट का मतलब ये होता है, अब आप ये समझ गए, इसे सेक्शनल बैलेंसिंग बोलते हैं इस चीज को, कोई मीनिंग समझ आ जाएगा आपको, करना तो आपको खुद ही पड़ता ही है, मीनिंग पता लग जाएगा क्या है इसके। न्यूमेरिकल करने बैठो तो एंडलेस है, बहुत न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसके, पर ये किसी सिलेबस में नहीं आज की डेट में, ये मेरे को 10 साल पहले पढ़ाया था, मेरे को याद है तो मैं करा रहा हूँ, पहले होता था ये सिलेबस में, 8-10 साल पहले सिलेबस में से हट गया ये। चलो तो ये टोटल डेटर काउंट जो है ये क्या है, देखो 6000 बैलेंस दिखा रहा है, आप इंडिविजुअली देखना एक बार, इंडिविजुअली 7000, वाई से 26 33 हो गए, और 13 किस से, जेड से 46 हो गए, यानी कि अपने तीन, ये तो मैंने बोर्ड पे कितने बनाऊंगा, 3-4 ही बनाए, ये रियल में 300, 400, 500 हो सकते हैं। आपने क्या किया, अगर मैं अलग अलग पेज पे बनेगा हर एक का अकाउंट इनका, अगर मैं अपनी जो लेजर बुक होती है प्रिंसिपल बुक जिसमें सारे अकाउंट आते हैं, जिसके बाद क्या बनता था अपना ट्रायल बैलेंस, क्लासिफिकेशन का काम कौन सी बुक करती है, लेजर, ये वाली बुक है लेजर बुक, जनरल लेजर। अगर इसके अंदर मैं अलग अलग पेज पे अकाउंट बना दूंगा 400-500, तो लेजर बुक इतनी बड़ी हो जाएगी भाई, हर पेज पे एक्स का अकाउंट, वाई का, जेड का, ए का, बी का, फिर तो मुझे सैलरी अकाउंट ढूंढना है, मिलेगा ही नहीं, कैपिटल अकाउंट मिलेगा नहीं, परचेज अकाउंट, क्यों ये इतने हो जाएंगे। इसके लिए एक बढ़िया तरीका ढूंढा गया कि अपनी लेजर बुक के ऊपर बर्डन ज्यादा ना पड़े। आप क्या करो, डेटर को अलग अलग पेज पे इस बुक में लिखने की बजाय आप बाजार से एक नई बुक खरीद लो, जिसका नाम क्या दे दो लेजर बुक का, डेटर लेजर, उसको ऊपर लिख ही दो डेटर लेजर है ये, उसके 500 पेजों पे 500 खाते खोल दो ना, एक्स वाई जेड एबीसी के, उसका खुल गया। लेकिन इधर डबल एंट्री ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा इसका, अगर इस बुक में वो नहीं आएगी, देखो सेल अकाउंट में सेल चलेगी, क्रेडिट तो कहीं डेबिट भी तो डेबिट कैसे होगा, वो तो अलग बुक है। ऐसा है, उन 500 पेजों पे अलग अलग अकाउंट तो खुल गया, पर सबका टोटल करके एक पेज लगेगा आपका, सिर्फ एक पेज, कौन सा, टोटल डेटर अकाउंट। वो 500 पेजों पे जो डेटर का डिटेल है ना, वो आपको उसका डबल एंट्री सिस्टम पूरा करना है लेजर बुक का, तो आप 500 का टोटल करके डबल एंट्री सिस्टम पूरा कर सकते हो, क्योंकि डेटर के सारे डेबिट बैलेंस थे, अलग अलग ना लिख के सबका टोटल करके डाल दो, क्रेडिट सेल अलग अलग तो वहाँ दिख ही रही है, यहाँ सबकी टोटल करके डाल दो। जैसे डिस्काउंट अकाउंट में 5000 रुपये डेबिट हुआ होगा डिस्काउंट लेजर बुक में, तो अगर कहीं क्रेडिट नहीं हुआ तो अपना ट्रायल बैलेंस मिलेगा कैसे, समझ रहे हो ना। इसलिए आप क्या करो, वो 500 पेज पे 500 अकाउंट या 300 अकाउंट बने रहने दो, सिर्फ एक पेज पे सबका कंबाइन करके क्या बना दो, टोटल डेटर अकाउंट। ऐसा करने से हमारा डबल एंट्री सिस्टम भी पूरा हो जाएगा, लेजर के अंदर सब डेटर का टोटल 46000 डेबिट आ जाएगा, उससे हमारा डबल एंट्री सिस्टम पूरा, और अलग अलग आपको बर्डन भी लेजर बुक पे नहीं पड़ा। अलग अलग देखना है तो एक मार्केट से नई बुक खरीद के लेजर बुक, उसका नाम रख लो डेटर लेजर। अलग अलग देखना है, कोई बंदा आया साहब देखना मेरा क्या हिसाब है जेड है, तो आप यहाँ से थोड़ी देखोगे, यहाँ से कैसे पता लगेगा जेड का, जेड आया हमारा अकाउंटेंट नया नया था, वो ये बुक खोल के बैठ गया लेजर बुक जनरल लेजर, और उसको देख के कहता जी टोटल डेटर अकाउंट में, क्या भाई जेड तेरा नहीं पता लग रहा, तुम सारे इकट्ठे आ जाओ, तुम सबसे लेना है 46000 रुपये,
वो कहते कमाल है इकट्ठे आने का क्या मतलब, मेरे को बताओ मैंने क्या देना है। तो आपको उसे कौन सी बुक खोलनी चाहिए थी, डेटर लेजर, वहां मिलेगा आपको इंडिविजुअल अकाउंट किससे क्या लेने, ये अकाउंट नहीं बता पाएगा, ये टोटल बता पाएगा। ये क्यों बना आपको समझ आ गई, डबल एंट्री सिस्टम पूरा नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा लेजर बुक में, क्योंकि अगर वो डेबिट क्रेडिट ना हुआ तो अपन इंडिविजुअली ना करके सबका टोटल करके डाल देते हैं, सबका टोटल करके, समझाई बात, ताकि डबल एंट्री सिस्टम पूरा हो जाए और इंडिविजुअली, दैट्स कॉल्ड सेक्शनल बैलेंसिंग। समझ आ गया सेक्शनल बैलेंसिंग क्या है, क्या एम है इसका, ये भी पता लग गया, ताकि जनरल लेजर में बर्डन बहुत बड़ी ना हो और इतनी बड़ी जनरल लेजर अपनी मेन बुक ना बने। अगर ये जनरल लेजर इतनी बड़ी बन गई तो बाकी अकाउंट गुम हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारे किस में बनते हैं, लेजर में, तो वो गुम हो जाएंगे। अगर 500 पेजों पे डेटर, 500-800 क्रेडिटर, इतनी बड़ी लेजर बुक बन जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्यूटराइज सिस्टम की, तो वहाँ लेंथ का इशू ही कहाँ है, वो तो पता नहीं हजारों लाखों एंट्री मैनेज कर सकता है, वहाँ पे ये सारा सिस्टम फेल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अलग अलग नाम डालो, एक्स को बेचा, वाई को बेचाओ, कंप्यूटर को क्या दिक्कत है। ये तो उस जमाने की बातें हैं जब सारा सिस्टम ही कैसे चलता था, मैनुअली वहाँ पे सोचना पड़ता था ये चीज़ें, तो वहाँ चलती थी, समझ आया। अब क्या चाहता है ये तो है सेक्शनल बैलेंस। सेल्फ बैलेंसिंग में क्या होगा, वो चाहता है कि भाई मान लो यहां कोई गलती होगी तो इसका तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनता। आपने अगर यहां से उठा के यहां डाली टोटल, अगर कोई एंट्री गलत डल गई, जैसे आप मुझे कह रहे थे ये 2000 नहीं 7000 है, मान लो मैं 7000 रुपये डालता, मेरा बैलेंस इधर कुछ और आ जाता, मेरा बैलेंस आ जाती 51000। फिर मैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाता, ट्रायल बैलेंस में आपको पता है कैश बैलेंस डेबिट है, बैंक का डेबिट है, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। वहाँ जब मैं डेटर लिखता ये वाले, तो मेरा टीवी ना मनता, टीवी मिलता ना 5000 रुपये का, टीवी में फ़र्क आता, फिर मैं जोर लगाता, गलती शायद ढूंढ लेता, यही है ना। अगर यहाँ, लेकिन अगर यहाँ गलती हो जाए, मान लो कोई इसका कौन सा टीवी बना रहे आप, इसका मिलेगा नहीं, तो कुछ ऐसा करो इसके अंदर भी गलती पकड़ में आए, तो आप एक सिस्टम का नाम देते हैं क्या, सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग में क्या होगा, सेल्फ बैलेंसिंग में डेटर की लेजर में ये जो अकाउंट बन रहे हैं ना, इस डेटर की लेजर में, लो डेटर की लेजर में ही, डेटर की लेजर में ही कौन सा अकाउंट बनेगा, जनरल लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये रिवर्स ऑफ डेटर बनता है, रिवर्स ऑफ डेटर अकाउंट होता है ये उल्टा, ताकि क्या है आपस में टैली हो सके। देखो ये उल्टा कैसे बनता है, ये सबका डेबिट है ना, उल्टा आ जाएगा ये क्रेडिट, जैसे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस इधर लिखे जाएंगे, कितने थे ये 10-15-20, ओपनिंग बैलेंस उल्टी साइड लिखे जाएंगे, कितने हो गए 45000। जैसे यहाँ पे वो क्रेडिट सेल वो सब पैसा दे दिया वो सब, लेकिन अंदर ना एक हेडिंग लगाई जाती है, अंदर सीधा नहीं लिखा जाता इसमें, जैसे ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, ध्यान दो बुक कौन सी है, सेल या डेटर लेजर, इसको सेल लेजर भी बोलते हैं। तो सेल लेजर में नेचुरल है सेल लेजर अकाउंट थोड़ी बनेगा, कैश बुक के अंदर कैश अकाउंट बनेगा ना, आप देखो बुक कौन सी है ये डेटर की लेजर, अंदर उल्टा अकाउंट बनेगा, कौन सा बनेगा, डेटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर में कौन सा बनेगा उल्टा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिलहाल मैं डेटर की या सेल की लेजर में कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, अंदर हेड वही दो, क्या डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सारी चीजें अंदर लिख दो, बैंक से कितने पैसे दिए 29000, बिल कितने के दिए 29000, और सेल रिटर्न कितने रुपए की है 5000, बैड डेट्स कितने रुपए के हैं 3000, डिस्काउंट कितने रुपए का है 5000, सबका टोटल डालो, 29+29+5+3+5 71000,
यहाँ पे भी देखो डेटर लेजर में कौन सा अकाउंट है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो नहीं लिख सकता ना, उल्टा लिखूंगा जो बुक का नाम है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या क्रेडिट सेल कितनी टोटल कर लो उल्टी साइड, 20, 30 और 15 का टोटल कितना हो गया 65,000। जो चेक डिसऑनर है, चेक डिसऑनर कितने रुपए के ढूंढ लो, वो है 2,000 रुपए के। और बिल डिसऑनर कितने के हैं ढूंढ लो, बिल डिसऑनर कितने के हैं 5,72,000। बस अब इसका बैलेंस निकाल लो आप, 45 और 72 कितना हो गया, 45 और 72 का टोटल करो 1,17,000। इधर भी कितना आना चाहिए 1,17,000, तो इसका बैलेंस देखो कितना आ गया 46,000। ये उल्टा आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका एम ये है कि अगर अपन डेटर या सेल लेजर का डेटर लेजर में भी टीबी बनाएं ट्रायल बैलेंस तो वो बन सके। वो टीबी कैसे बन जाएगा, डेबिट क्रेडिट। आपको एक्स का अकाउंट वाई का जेड का, एक्स का 7,000 डेबिट है, वाई का 26,000 डेबिट है, जेड का 13,000 डेबिट है, और उसके अगेंस्ट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, ये देखो उल्टा क्रेडिट बैलेंस है कितने रुपए 46। टीवी मिल गया इसका, इसका टीवी बन सके इसलिए ये बनाते हैं। बस ये है सेक्शनल बैलेंसिंग। आप अपनी डेटर की बुक में 300 अकाउंट बना रहे हो, कहीं गलती होगी तो उस बुक में पता नहीं लगेगी, तो ऐसा करो सबका टोटल करके उल्टा अकाउंट बनाओ, जो डेबिट है वो क्रेडिट आ जाएगा तो वो उल्टा बैलेंस हो जाएगा। कैसे, जो ओपनिंग लेने थे वो सारे इधर, क्रेडिट सेल इधर, लेकिन डेटर की लेजर में अकाउंट कौन सा बनेगा, डेटर की लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि डेटर का क्या है उल्टा। तो वो अंदर नाम ध्यान रखना है आपने, डेटर की लेजर में जो अंदर नाम देना है वो कौन सा देना है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट ही देना है। चीजें उल्टी साइड लिख दी, तो यह डेबिट आ रहा है 7,000, 26,000, 13,000, इसका टीवी बनाऊं तो 46,000 डेबिट आ रहा है, तो 46,000 क्या आ रहा है, क्रेडिट भी आ रहा है। बस इसका ट्रायल बैलेंस बन सके यही अपना खाली एम था, 46,000 इधर 46,000 इधर। बोलो कोई डाउट। अब जब ये वाली बुक है ना, इसका भी नाम बदल देते हैं, टोटल डेटर का भी जब सेल्फ बैलेंसिंग आती है ना, तो जनरल लेजर में इसका नाम टोटल डेटर अकाउंट नहीं होता, फिर इसका नाम क्या होता है जनरल लेजर में, डेटर या सेल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। ये एक्चुअल में टोटल डेटर अकाउंट ही है, लेकिन नाम बदल के इसका ये रख दिया जाता है। जब सेल्फ बैलेंसिंग हो तो टोटल डेटर की जगह नाम बदल के क्या रख दिया, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऐसी, ये सारी चीजें ना 6525 अंदर लिख दो, 6552 अंदर लिख दो। कैसे, जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टोटल डेटर ही, एक्चुअल में नाम बदल देते हैं। यहां पे क्या आएगा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही तो नहीं आएगा अंदर, क्या राम के अकाउंट में राम आ सकता है, नहीं, बुक का नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या क्रेडिट सेल जोड़ के लिख दो, पहले भी लिखी थी अब फिर लिख दो कितने रुपए की, 65,000। चेक डिसऑनर पहले भी लिखे थे, चेक डिसऑनर 2,000 के अब भी लिख दो। बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर कितने के हैं, 5,000 रुपए के, तो ये कितने रुपए हो गया, 65, 75 और 2, 72,000। ये लिखने अब भी मुझे ये सारे यही हैं, कितने 29, 29, 58, 63, 66 और 5, कितना जोड़ो 29, 58 और 5, 63, 66 और 5, 71। अब भी 71 लिखूंगा, पर सीधा नहीं लिखने, अब सेल्फ बैलेंसिंग में सीधा नहीं लिखते, सेल्फ बैलेंसिंग में नाम बदल देते हैं। देखो टोटल डेटर अकाउंट नाम की जगह नाम कौन सा दे दिया इसने, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बुक से उल्टा, अंदर बुक वाला ही नाम देना है, बाय डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नाम देना है। दो, क्या क्या, बाय बैंक से कितने पैसे आ गए 29, बीआर कितने रुपए आ गए 29, सेल रिटर्न कितने रुपए की है 5,000,
बैड डेट्स कितने रुपए के हैं? 3,000। डिस्काउंट कितने रुपए का है? 5,000। तो कितना हो गया? 71। बस हो गया। ये था सेल बैलेंसिंग। सेल बैलेंसिंग में क्या होता है ये आपके सामने है। एग्जाम में वैसे जिन लोगों के एग्जाम में ये कभी चैप्टर हुआ करता था, या तो ये बनाना आता है या ये, वो तो मैंने नॉलेज के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया। डेटर की लेजर में तो क्या बनता है? उल्टा। सीधी सी बात है, जो हमारी मेन बुक है ना जनरल लेजर, उसमें टोटल डेटर अकाउंट बनना है। चाहे उस सेक्शनल बैलेंसिंग में तो नाम सीधा ही होएगा टोटल डेटर, लेकिन सेल बैलेंसिंग हुई तो नाम बदल के क्या कहेगा कि आप डेटर या सेल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। आप बुक से समझ जाना कि जनरल लेजर बुक है तो उसमें एक ही अकाउंट बनता है डेटर अकाउंट। बनाने का स्टाइल ऐसा है, नाम थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। डेटर अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा? डेटर। यानी देखो, जनरल लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बन सकता। जनरल लेजर में क्या बनेगा? उल्टा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट, या फिर सेल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अंदर हेडिंग इंटरनल कॉलम में बना के लिखना है, अंदर जो हेडिंग बनानी है इस नाम से उल्टा कभी नहीं हो सकता। डेटर लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आए, उल्टा आएगा, यानी बुक के नाम वाला जनरल लेजर एडजस्टमेंट, अंदर चीजें वही लिखनी है। क्या ना ना, गलत लिख दिया मैंने, जनरल लेजर लो, उल्टा आएगा जनरल लेजर, जो नाम है ना अकाउंट का उसका उल्टा आएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, तो आप देखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की हेडिंग में सब डाला। ये पुराना डेटर अकाउंट ही है, थोड़ा अजीब है कि नाम ऐसे हैं। और ये क्या है? जो डेटर की बुक होती है ना, वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल कंप्यूटर बनती नहीं, अगर बनाओगे तो वो 300-400 अकाउंट का उल्टा लिखोगे सारी चीजें, तो ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। अगर यहाँ भी क्रेडिट सेल डेबिट में, यहाँ भी, यहाँ तो फिर दो दो डेबिट हो जाएंगे उल्टा। यानी आप डेटर की बुक में अकाउंट बनाओगे तो वो जनरल लेजर से उल्टा बनेगा। उससे उसका नाम क्या होगा? डेटर की बुक है, डेटर या सेल लेजर है, तो अकाउंट का नाम डेटर या सेल लेजर एडजस्टमेंट नहीं हुआ। पहली बात, अकाउंट का नाम क्या होगा? उल्टा। डेटर की बुक में कौन सा अकाउंट होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये समझ लो, जो मेन लेजर है ना उसमें सीधे अकाउंट बनते हैं डबल एंट्री सिस्टम पूरा करने। डेटर की लेजर में उसका इसका उल्टा बनेगा। नाम ध्यान से देना होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट उल्टी साइड आएगा, क्रेडिट में आएगा ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन उल्टी साइड। और जो अंदर चीजें लिखनी है आपने उल्टी साइड, तो डेटर की लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं आएगा ना, अंदर कौन सा आएगा? अकाउंट से उल्टा, डेटर लेजर या सेल लेजर एडजस्टमेंट, या ये समझ लो बुक के नाम वाला अकाउंट आएगा। बस चीजें सारी उल्टी साइड भर दो, जो वहां डेबिट बैलेंस आ रहा था यहां क्या आ जाएगा? क्रेडिट। ताकि अगर ट्रायल बैलेंस बनाना हो इस बुक का, डेटर की बुक का, तो एक्स का 7,000, 26,13 ये डेबिट है और ये 46 क्रेडिट, इसका भी टीबी बन सके। इसका टीबी तो आप सारी चीजें लिख के बनाओगे, मैं बना के दिखाई नहीं सकता। सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी, रेंट, कैपिटल, ड्राइंग, उसके अंदर ये लिख देंगे, बस बन जाएगा इसका टीबी। ये था सेल्फ बैलेंसिंग। मीनिंग समझ आया? सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होता है, इस ये अकाउंट नहीं बनता। डेटर लेजर में तो सिर्फ बस वो 400-500 अकाउंट बनते हैं, उनका कंबाइन करके तो डेटर की बुक में कौन सा अकाउंट बनता है? टोटल डेटर अकाउंट। अब सब कुछ ऐसे ही है, क्रेडिटर अकाउंट बना दो। क्रेडिटर अकाउंट कौन सी बुक? जनरल लेजर में तो कौन सा अकाउंट बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट। और क्रेडिटर की लेजर में कौन सा अकाउंट बनेगा? उल्टा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में सब उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं नॉलेज के लिए आपको क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखाऊं, लगभग लगभग सारा कुछ उल्टा है। टोटल क्रेडिटर अकाउंट कैसे? ओपनिंग क्रेडिटर्स ब्रॉट डाउन। ओपनिंग क्रेडिटर हैं जिनसे, जिनको पैसा देना है मान लो 70,000, और खरीदेंगे तो क्रेडिटर और बढ़ेंगे ना। क्रेडिट परचेज 1,00,000 रुपए की कर ली, इनको कैश या चेक देंगे तो पैसा कम होएगा ना देना, मान लो 50,000 रुपए दे दिए। इनके फेवर में बीपी एक्सेप्ट किए, बीपी अकाउंट बिल एक्सेप्टेड करे मान लो 20,000, तो डेटर बढ़ेंगे।
कभी कभी जो बीआर आते हैं ना डेटर से, वो हम क्रेडिटर को दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बीआर आया डेटर से, वो आगे किसको दे दिया? क्रेडिटर को। जैसे एंट्री हुई बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर अपन ये किसको दे दिए? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर एंडोर्स, इसे बोलते हैं बीआर एंडोर्स्ड। ये बीआर हमने क्या कर दिए? आगे दे दिए। मान लो अपने को डेटर से बिल आए थे 50,000 रुपये के, लेकिन इसमें से कुछ बिल हमने एंडोर्स कर दिए, आगे क्रेडिटर को कह दिया तुम ले लेना पैसे, इसमें से 20,000 के बिल आगे हमने क्रेडिटर को दे दिए। तो डेटर कम हुए थे बीआर आने से, अब ये बीआर क्रेडिटर को दे दिए, तो टू बीआर अकाउंट क्या है? एंडोर्स्ड। बिल क्या कर दिया आपने? एंडोर्स कर दिए। कितने रुपए के? 20,000 रुपए के बिल एंडोर्स कर दिए। अब परचेज रिटर्न होने से क्रेडिटर कम होंगे, मान लो 5,000। डिस्काउंट दे दे या क्रेडिटर ने, तो क्रेडिटर कम होंगे। चेक डिसऑनर हो गया, ये चेक डिसऑनर होगा, तो हमने जो चेक दिए, चेक 50 के, उसमें से 15 के चेक डिसऑनर हो गए। बीपी डिसऑनर हो गया, बीपी नॉट मेट, यानी क्या हो गया? डिसऑनर, हमने पेमेंट नहीं दी, तो वापस बढ़ेंगे क्रेडिटर 20 में से 5,000 के भी। जो बीआर डेटर से आए थे वो फेल हो गए, इधर डेटर बढ़ेंगे। देखो टोटल डेटर अकाउंट बनाते थे आप, आपको बीआर आए थे डेटर से, कितने के बीआर आए थे? ऊपर लिखा है बीआर आए थे आपको 50,000 रुपये के। आपने इसमें से 20,000 के बिल किसको दे दिए थे? क्रेडिटर को। मैं कहता हूं ये जो बिल एंडोर्स थे ना, इसमें से 6,000 के बिल डिसऑनर हो गए, तो इधर डेटर बढ़ाओ, बीआर एंडोर्स डिसऑनर। डिसऑनर जो डेटर से बीआर आए थे वो अपन ने क्रेडिटर को दे दिए थे 20, उसमें से 6 के क्या हो गए? डिसऑनर। तो वापिस बाय डेटर काउंट करके या बाय बीआर डिसऑनर सीधा लिख दो, बीआर एंडोर्स्ड डिनर डिसऑनर। कोई बिल थे वो आए थे हमें डेटर से, हमने उसमें से 20 क्रेडिटर को दे दिए, क्रेडिटर कम हो गए, 6,000 के बिल बाउंस हो गए, तो क्रेडिटर वापस बढ़ जाएंगे, इधर वापस क्या बढ़ जाएंगे? हमारे डेटर, जिससे लेने हैं मिले ही नहीं 6,000, तो लेने बढ़ गए वापस, और जिसको देने थे उसके पैसे घटे थे 6,000, वो बढ़ गए। बस अब आपको क्या, अगर उन्होंने हम पे कोई इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट अकाउंट मान लो, तो वो भी क्या है, इससे क्रेडिटर हमारे। और कभी कभी ना सेट ऑफ भी होता है, एक क्वेश्चन आया था फाइनल अकाउंट में, किसी से लेने भी है देने भी, तो आपस में क्या हो सकता है? सेट ऑफ। मान लो यहाँ डेटर में किसी से हमने 20,000 रुपये लेने हैं और यहाँ क्रेडिटर में 10,000 रुपये देने हैं। डेटर में कोई महेश नाम का आदमी 20,000 रुपये है और क्रेडिटर में कितना है? 10। दोनों में से कम क्या है? 10। तो दोनों ओर से कम कर दो, इधर क्या लिख दो? टू डेटर्स अकाउंट। ये क्या चीज है? सेट ऑफ 10,000। इधर डेटर अकाउंट में क्या लिख दोगे? बाय क्रेडिटर अकाउंट। क्या चीज है ये? सेट ऑफ। आपस में सेट ऑफ कर दिया भाई, लेने भी हैं किसी को देने भी है, 20 लेने हैं 10 देने हैं, तो नेट 10 लेने कह दो ना, नेट 10 लेने यही कह दो, एक ही बात है, तो वो चीज कह रहा है, ठीक है, लेने और देने। तो आप इसका टोटल करो, 50,000, 20,000, 20,000, 5,000, 3,000, 10,000, ये 1,08,000, इधर ज़्यादा मुझे लगता है 70, 1,15,000, 5,000, 6,000, 1,000, ये ज़्यादा है 197, इधर भी कितना आना चाहिए 197, कितना? टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट बैलेंस कितना आ गया? 89,000। तो आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है। अगर आपको डेटर अकाउंट आ गया, सब कुछ उल्टा करना है, इसमें भी कैश परचेज, कैश परचेज रिटर्न नहीं आनी, कैश परचेज कैश बुक में, कैश परचेज रिटर्न कैश बुक में, वो नहीं आनी। बीपी को पेमेंट दोगे तो बीपी टू कैश, वो नहीं आनी, बिल्कुल डेटर का उल्टा बनता है क्रेडिटर अकाउंट। अब मान लो क्रेडिटर की भी बुक अलग लगाई है, तो वही कहानी होगी, क्रेडिटर की बुक अलग लगाई है तो उसका नाम क्या दोगे आप?
क्रेडिटर लेजर, उसमें 500 पेज पे क्रेडिटर का इंडिविजुअल अकाउंट खोलोगे, उसकी जगह आप सेल बैलेंसिंग में बात करो, तो क्रेडिटर की लेजर में 500 पेज पे क्रेडिटर का अकाउंट तो खोल दिया आपने, लेकिन डबल एंट्री पूरा करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे क्रेडिटर की लेजर में? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो क्रेडिटर अकाउंट का क्या होगा? उल्टा। और जनरल लेजर में कौन सा अकाउंट बनेगा फिर? फिर जनरल लेजर में अकाउंट बनाओगे आप इन जनरल लेजर, सेल बैलेंसिंग हुई तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? क्रेडिटर का उल्टा, जिसका नाम होगा क्रेडिटर या बोट या परचेज कह लो, लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट क्या होगा? ये तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट ही होगा सीधा, बस अंदर हेडिंग बनाना क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, तो अंदर क्या है? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। लेकिन क्रेडिटर की लेजर में कौन सा अकाउंट बनेगा? इसका उल्टा, जिसका नाम क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। यानी डेटर की लेजर में भी कौन सा अकाउंट बनता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर का उल्टा। क्रेडिटर की लेजर में भी कौन सा अकाउंट बनता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो क्रेडिटर का उल्टा। लेकिन जो हमारी जनरल लेजर बुक है, मेन लेजर, उसमें सिंपल टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, या उसकी जगह नाम बदल के क्या जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, नाम बदल गए, हेडिंग अंदर बदल गई, चीज वही है, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, लेजर में वो बनता है। ये क्यों बनते हैं उल्टे वाले क्रेडिटर लेजर में और जनरल लेजर में? ताकि उसका भी टीवी बनाना हो तो बनाया जा सके। क्लियर है? तो सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होता है? फालतू पंगा ही नहीं, जनरल लेजर में ही बनता है सीधा, सिंपल अकाउंट, क्या? टोटल डेटर, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, बस। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग में क्या होता है? वो चाहता है कि हमारी डेटर लेजर क्रेडिटर लेजर भी बैलेंस किसी से करके तो देखें, उसका भी तो टैली हो, तो वो क्या उल्टे अकाउंट बनाता है। क्रेडिटर लेजर में क्या बनेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो क्रेडिटर का उल्टा होगा। डेटर की लेजर में कौन सा अकाउंट बनेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर का उल्टा। लेकिन उस सिचुएशन में सेल बैलेंसिंग में जनरल लेजर के अंदर जो अकाउंट है वो तो बनने तो डेटर क्रेडिटर अकाउंट ही है, अजीब थोड़ा नाम बदलने का सिस्टम है। तो डेटर की लेजर में उसमें जनरल लेजर में कौन सा अकाउंट बनेगा? डेटर अकाउंट नाम ना देके डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट नाम ना देके क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनेगा। ये होता है सेल्फ बैलेंसिंग। क्लियर? बोलो। तो बस अब आपको डेटर क्रेडिटर अकाउंट अगर आते हैं ना बनाने, आपको मैंने बोर्ड पे दिखा दिए, तो और कुछ भी नहीं है इसमें, डेटर क्रेडिटर अकाउंट ही है, बस माइंड चलाना है उल्टा सीधा क्या बनाना है, बस वो सोचना है, बाकी और करने को कुछ नहीं है इसमें। और मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया कि कंप्यूटर तो हजारों डेटर क्रेडिटर संभाल सकता है, उसको कौन सा बड़ी बुक बनानी है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं चलता ये सिस्टम, फेल हो गए सारे ये वहाँ पड़ा करते थे जब भैया बनती थी मैनुअल। तो आज भी अगर कहीं भैया बना सकते हो तो ये बना लो, काम आएगा, पर क्योंकि जीएसटी आने के बाद तो मैनुअल अकाउंट बन ही नहीं सकते, दिक्कत ही बहुत होगी, हिसाब किताब ही नहीं होगा, इसलिए ये सारे अकाउंट ख़त्म हो गए जो पढ़ते हैं। वैसे जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया वो भी, क्योंकि वो जो एरर करता है ना इस तरह के, भाई डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, हो ही नहीं सकता ये एरर, कंप्यूटराइज अकाउंट है, अगर डेबिट का क्रेडिट में लिख दोगे एंट्री मारोगे कंप्यूटर एंट्री नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो कहेगा डेबिट में 40,000 लिख रहा है, क्रेडिट में 35 लिख रहा है और एंट्री मार रहा है, कैसे हो जाएगा, रोक देगा वो टैली या बीजी जो भी सॉफ्टवेयर है, वो एरर दिखा देगा, भैया डेबिट क्रेडिट बराबर कर। कई बार आप ऐसी गलतियां पढ़ते हैं कि राम को माल बेचा, सेल अकाउंट में तो कर दिया लिख दिया, राम में लिखा ही नहीं, क्या कंप्यूटर ऐसे एंट्री ले लेगा क्या? एक अकाउंट सेल में लिख दो, डेबिट में राम में लिखो ही ना, एंट्री मारोगे वो एरर दिखा देगा, इसलिए वहाँ होती नहीं ऐसी गलतियाँ। और जो टीवी में फ़र्क आने से सस्पेंस आता है ना, मैंने तो आज तक अपनी सीए लाइफ में ही नहीं देखा सस्पेंस, क्यों? क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंट आते हैं तो हो ही नहीं सकता सस्पेंस आ जाए, टीवी मिलेगा मिलेगा, क्योंकि वो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा डेबिट क्रेडिट की, बराबर नहीं होगी। और जब तक डेबिट क्रेडिट मिसमैच नहीं होता, यानी डेबिट में 40 लिखे क्रेडिट में 35, ऐसी गलती जब तक नहीं करते तो टीवी में सस्पेंस आ ही नहीं सकता, और कंप्यूटर में गलती हो नहीं सकती, कंप्यूटर तो डेबिट क्रेडिट बराबर लेगा तो आगे चलेगा।
तो इसलिए कंप्यूटराइज जमाने में देयर इज नो स्कोप ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ये तो कहाँ होता है, वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर मैनुअली, वहाँ हो सकता है भी नींद में अकाउंटेंट सेल में तो लिख दिया, आराम में लिखा ही नहीं, सेल में 35,000 लिख दिया, राम में 3500 लिख दिया। ऐसी गलतियां मैनुअल अकाउंट में होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती। ख़त्म हो गया ये सारा सिस्टम, किताबी बातें हो गई, क्लियर। तो आप इसमें